यह 10वीं कक्षा के भूगोल ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हम संसाधन एवं उसके उपयोग के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये संसाधन क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। संसाधन प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। यह हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए करते हैं। तो संसाधन के और भी कई परिभाषाएं हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं हैं जो संसाधन कहलाती है। दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं दोस्तों, सभी संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन क्या हो सकते हैं? भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। भौतिक संसाधन मृदा, भूमि, जल, खनिज, ये सभी क्या है? भौतिक संसाधन है। जैविक संसाधन वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव, ये सभी क्या है? जैविक संसाधन है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमान का कथन है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। आगे संसाधन का वर्गीकरण है, वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार है, इसके चार प्रकार हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, विकास की स्थिति के आधार पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये चार्ट में पूरी तरह समझाया गया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि संसाधन दो प्रकार के हैं, पहला प्राकृतिक वाला, दूसरा हो गया मानवीय। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह का, पहला नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन भी दो तरह का, सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल। दूसरा है जैव। जैव संसाधन भी दो प्रकार के, प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य जीव। इसी तरह मानवीय संसाधन दो प्रकार के, संरचनाएं एवं संस्था, दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार। पुनः चक्रीय, जैसे कि धातु, और अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन वैसे संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन इत्यादि। ये सभी संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। दूसरा, अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर इत्यादि। ये सभी दोस्तों आगे हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो वर्ग होते हैं, ठीक है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा देख रहे हैं आप अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। मतलब ये कि वैसे संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं या जिसका उपयोग करके हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, वो सभी नवीकरणीय संसाधन होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल जल ऊर्जा इत्यादि। ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें हम किसी भी तरीके से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। आगे का टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है, या जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, जैसे भूखंड, बगीचा, तालाब इत्यादि। ये सभी व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं।
दूसरा है सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं वे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क, मंदिर, मस्जिद इत्यादि, ये सभी क्या सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। चौथा पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, मतलब जो इंटरनेशनल स्तर पे होता है, जो उसको कंट्रोल में रखता है, वो सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि समुद्री क्षेत्र, किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होता है। इसमें नोट नंबर वन यह है, किसी राजनीतिक सीमा, ये दोस्तों सीमा लिखा हुआ है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर नगरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है। दूसरा पॉइंट, किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को चार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान स्थित होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावित संसाधन कहलाते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। दूसरा पॉइंट, विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट, भंडार, वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध, वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हो, भंडार कहलाता है। जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक। चौथा पॉइंट, संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। आगे, संसाधन नियोजन, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, उसे संसाधन नियोजन कहा जाता है। नेक्स्ट, संसाधन संरक्षण, संसाधनों का न्यायसंगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपत्याय न हो, या संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों सतत विकास के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास की वह अवधारणा जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को कायम रखा जा सके, वो सतत विकास कहलाता है। आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको भी आप पढ़ लेंगे, इसे भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। दोस्तों जितना भी हमने बताया है आप इन सभी को एक नोट के रूप में लिख सकते हैं और इसे रिवीजन कर सकते हैं, आपको दसवीं के परीक्षा में बहुत ही मदद होगी। महत्वपूर्ण बिंदु, राष्ट्रीय संपदा के उदाहरण, सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील 19.2 किलोमीटर तक, महासागरीय क्षेत्र, भूसागरीय समुद्र व इससे पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। मानव एवं तकनीकी शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकू की अर्थव्यवस्था से है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही थी, इसी को मद्देनजर रखते हुए सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में विश्व के 172वें देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। तो पृथ्वी सम्मेलन में, जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था,
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था।